सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो पीबीसी न्यूज़ ते तुहाडे नाल हां सिमरन हंस। स्वागत है तुहाडा अज दी बुलेटिन दे विच। जिवें कि असीं जानदे हां कि 2022 दीआं चोणां नज़दीक आ रहीआं ने, उवें ही सियासी पार्टियां दे वल्लों एक दूजे संबंधी बयानबाजी करन ते दूषणबाजी करन दा माहौल भी शुरू हो गया। इस सब दे चलदे आम आदमी पार्टी दे सूबा प्रधान भगवंत मान ने पत्रकारां नूं संबोधन करदिआं सरदार सीएम चन्नी अते कांग्रेस दे सूबा प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नूं आड़े हत्थीं लिया। अज की सुणन नूं मिल रिहा है, की देखण नूं मिल रिहा है, तुहाडे सारयां दे सामणे किवें आपस दे विच जुंडो जुंडी हो रहे ने, आपस दे विच एक दूजे दे गलमे फड़े जा रहे ने, पब्लिकली गालां कढ़ियां जा रहीआं ने, एक दूजे ते ब्लेम लाए जा रहे ने, ये तुहाडे तों कोई गल लुकी नहीं। चन्नी दी जाखड़ नाल नहीं बनदी, जाखड़ दी बाजवे नाल नहीं बनती, बाजवे दी रंधावे नाल नहीं बनती, रंधावे दी सिद्धू नाल नहीं बनती, ते सिद्धू दी किसे नाल भी नहीं बनती। चन्नी कोले कच्चे अध्यापक गए कि चन्नी साहब सानू पक्के कर दो, चन्नी साहब कहिंदे क्या गल कर रहे यार, मैं तो आप कच्चा फिरदा, मेरा तो आप नहीं पता मैनू मेरा की होना। पोस्टर लाते सारे पंजाब 36,000 मुलाजम पक्के किए, 36 गणाओ जी, 1,000 छड्डो, 36 दो AG बदलते, दो DG बदलते, रातों रात सोता साहब गए, अज चट्टोपाध्याय आ गए, मतलब कोई पता ही नहीं कि की हो रहा है। तो यहोजे माहौल च ये बच्चों के फ्यूचर दीआं गल्लां मजदूरों नूं पेश आ रही परेशानियां अते मुश्किलों नूं सुनन लई पंजाब कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अज मोहाली दे मदनपुर चौंक विखे पहुंचे, जिथे ना सिर्फ उन्होंने मजदूरों दीआं मुश्किलों नूं सुनिया बल्कि उन्हां नूं जल्द तो जल्द पक्के तरीके नाल हल करन दा भरोसा भी दिता। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अज शुक्रवार सवेरे मोहाली के पिंड मदनपुर चौंक विखे पहुंचे, इत्थे उन्होंने मजदूरों नाल गलबात की अते उन्हां दीआं समस्यावां सुनिया। सिद्धू नाल गलबात करदिआं मजदूरों ने दस्सिया कि उन्होंने लेबर कार्ड भी हाले तक नहीं बने ने अते ना ही सरकार ने हाले तक उन्होंने लेबर का कोई पैसा भी दिता है। इस तों अलावा मजदूरों ने कांग्रेस प्रधान को शिकायत की कि जदों वह कार्ड बनाने लई जांदे ने तां उन्हां तों पैसे मंगे जांदे ने। उन्होंने कहा कि सरकार वल्लों मजदूरों नूं आर्थिक मदद देण दा ऐलान भी किया गया सी जो कि सानूं नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जेकर 2 दिन उन्हां दी दिहाड़ी लग जांदी है तां फिर उन्हां नूं अगले 2 दिन वेले भी रहना पैंदा है। मजदूरों का कहना सी कि पिछले लंबे समय तो उन्हां दीआं दिहाड़ियां विच वाधा नहीं होया। मजदूरों की रजिस्ट्रेशन तो अलावा उन्हां दा बीमारी दौरान गुजारा होने संबंधी भी नवजोत सिंह सिद्धू वालों कई सवाल जवाब किए गए। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू वालों मजदूरों नूं ठेकेदारी सिस्टम तो मुक्त करवाउण तो अलावा हर मजदूर नूं 350 रुपये दिहाड़ी देण दा ऐलान भी किया गया। इत्थे दसनयोग है कि बीते दिन भी मोगा विखे पल्लेदार मजदूरों नाल गलबात दौरान नवजोत सिंह सिद्धू वालों कई वड्डे ऐलान किए गए सन। इत्थे यह भी दसना बनता है कि मोहाली हल्के तो कांग्रेसी विधायक मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू किरत मंत्री रहे ने। किरत मंत्री दे हल्के विच जेकर मजदूरों दे कार्ड ही नहीं बने तो पूरे पंजाब की असल हालत की होगी। इस गल का अंदाजा अज कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के सामने किरतियां वालों की गई शिकायतों तो साफ लगाया जा सकता है। उस दिन मैंने लेबर कार्ड को कहा तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हारी उम्र 60 साल की होगी, तुम्हारे ना बनेगा। इसका मतलब तुम्हें लेबर कार्ड मना कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। किसने मना किया? यही जहाँ बनना है मंदिर में। क्या क्यों क्यों मना कर दिया? उन्होंने आधार कार्ड देगा तो कहा तुम्हारे ना बनेगा, 60 साल से उम्र ऊपर हो गई तुम्हारी, तुम्हारे नहीं बनेगा। हाँ। तो कोई और गया लेबर कार्ड बनाने? हाँ जी, हाँ जी। तुम्हारा बनाया? नहीं बना सर। नहीं बना? क्यों नहीं बना सर? मुझसे तो मना कर दिया ना, मैं दिखाया आधार कार्ड। मतलब आधार कार्ड का चेंजिंग करो, ये करो, वो करो, हैं? इसका मतलब ये है कि तुम वहाँ जब जाते हो तो वो कार्ड नहीं बनाते। मोहाली तो पीबीसी न्यूज़ लई ब्यूरो रिपोर्ट। दी रेवेन्यू पटवार यूनियन लुधियाणा वालों अज 6वें पे कमीशन के विरोध में ना सिर्फ रोस प्रदर्शन किया गया बल्कि पंजाब सरकार के विरुद्ध मोर्चा भी खोल दिता गया। इस यूनियन के आगुआ का कहना सी कि जदों तक उन्हां दीआं मंगां नहीं मनियां जांदियां उन्हां दा यह रोस प्रदर्शन, यह विरोध जारी रहेगा।
अज लुधियाना दे डिप्टी कमिश्नर दफ्तर दे बाहर रिवेन्यू पटवार यूनियन तहसील लुधियाना दे जिला प्रधान वरिंदर कुमार रिखी दी अगवाई विच जबरदस्त रोस प्रदर्शन करके सरकार दा पुतला साड़िया गया। यूनियन वल्लों इह प्रदर्शन मुलाजम मारू नीतियां तो इलावा 6वें पे कमीशन नूं लागू करवाउण अते रूलर पत्ता ना देण दा नादरशाही फरमान नूं जारी करन संबंधी कीता गया। इस दौरान 6वें पे कमीशन दीआं कॉपियां वी साड़ियां गईआं। अपनियां हक्की मंगां नूं लै के रिवेन्यू पटवार यूनियन तहसील लुधियाना वल्लों डिप्टी कमिश्नर दफ्तर बाहर कीते गए प्रदर्शन दौरान पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं पटवार यूनियन दे जिला प्रधान वरिंदर कुमार ने कहा कि सरकार वल्लों साडे कई साथियों नूं पक्के करन दा ऐलान कीता गया सी, जिस विच उन्हां वल्लों कटौती कर दित्ती गई है। उन्हां चेतावनी दित्ती कि जेकर आने वाले समय विच मौजूदा पंजाब सरकार ने साडियां मंगां ना मनियां तां संघर्ष नूं होर तिखा कीता जाएगा, जिस दी जिम्मेवारी मौजूदा पंजाब सरकार दी होवेगी। उन्हां नूं फिक्स रेवेन्यू 900 दे विच कटौती कीती गई है। इस तरह के पत्रां दी रेवेन्यू पटवार यूनियन पंजाब जिहड़ी है निखेधी करदी है ते पंजाब सरकार नूं चेतावनी दिंदी है ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਵੈਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕਰਨ ਜਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ PBC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਅਜੇ ਪਹਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਹੰਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ PBC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।